हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द न्यू लेक्चर ऑफ एक्ट एंड रूल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज हम 20th नंबर का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में एज यू नो कि हम लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट है ये 5th नंबर का है, इसके बाद केवल एक ही लैंडमार्क जजमेंट बचता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे तो हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज का जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट है वो किसके किसके बीच में था, मनिंदरजीत सिंह और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। तो इन दोनों लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था या फिर क्या प्रॉब्लम हुआ था, केस क्यों चला, क्या जजमेंट आया, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कशन करने से पहले एज यूजुअल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इन सारे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है। टेक्निकल लेक्चर की भी जो भी पीडीएफ मैं बनाता हूँ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। क्विज भी मिल जाता है आपको वहाँ पे, अभी थोड़ा बहुत क्विज के क्वेश्चन मिलते हैं बट बाद में जैसे जैसे एग्जाम आपका पास आएगा क्विज के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इस केस की बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था, क्योंकि इस केस के बैकग्राउंड के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचता इस केस में जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इस केस की बैकग्राउंड आप समझ जाते हो तो बैकग्राउंड में ही सब कुछ है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस केस के बैकग्राउंड से ही पूछा जाएगा। हुआ क्या था, 28 मार्च 2001 को जो हमारी सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और एक ऑर्डर भी जारी किया। इसके बाद नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि देश में जितनी भी व्हीकल्स हैं, जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं, सबको हम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएंगे, सब में हम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएंगे। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, इन भाई साहब को एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेट को प्रॉब्लम हो गई। अब इनकी प्रॉब्लम कुछ हद तक जायज भी थी और कुछ हद तक नाजायज भी थी। इनकी प्रॉब्लम जायज ऐसी थी कि जो नोटिफिकेशन था या फिर जो ऑर्डर आया था उसमें जो टेंडर निकालने की बात थी या फिर जो उसमें प्रोसीजर था कि ये नंबर प्लेट लगाएगा कौन, ये नंबर प्लेट इनसे लेके दे दिया गया था डीलर को, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके एक ऑथराइज्ड डीलर होते हैं गाड़ी बेचने के लिए। तो ये सारी व्यवस्था अब किसके पास चली गई थी, डीलर के पास चली गई थी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ प्रोविजन था हमारे नंबर प्लेट में कि वो केवल मैन्युफैक्चरर कर सकता है या फिर डीलर कर सकता है, ये दोनों मिलके कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी थे इसलिए इनको वहां से हटा दिया गया। अब जब इनको हटाया गया तो इनका एक रोजगार था, इनका एक बिजनेस था, तो ये कहां चले गए, कोर्ट में। इन्होंने कोर्ट से कहा कि जो सुप्रीम, जो इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो कर रहे हैं ये इनके पावर में नहीं आता है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है सारे उसके पावर में आता है। और इनके जो एप्लीकेशन था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। इनका एप्लीकेशन खारिज कर दिया तो हमको पढ़ना किसका एप्लीकेशन है, हमको मनिंदरजीत सिंह का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो मनिंदरजीत सिंह ने ऐसा क्या किया, अब जैसे इनका एप्लीकेशन खारिज हुआ और ये लागू हो गया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगेगी सारी गाड़ियों में, नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आ गया। गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद जब इनका एप्लीकेशन खारिज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए सबको, पूरे स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए कि ये जो चीजें हैं ये जितना जल्दी और जितना इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट की जा सकती हैं आप करिए। मगर कुछ लोगों ने जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी उसको नहीं मान रहे थे, वो कर नहीं रहे थे या फिर बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे उस पर। तो हमारे जो मनिंदरजीत सिंह है ये कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया और ये कहे कि यहाँ पे पब्लिक के सेफ्टी से कंप्रोमाइज किया जा रहा है, कोर्ट का जो ऑर्डर है या जो कोर्ट का डायरेक्शन है बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी मान नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब इन्होंने ऐसा क्लेम किया मनिंदरजीत सिंह ने कोर्ट में, तो कोर्ट किससे पूछेगी, सरकार से पूछेगी कि आपने जो लॉ बनाए हैं या आपने जो नोटिफिकेशन लाए हैं उसको इन्फोर्स क्यों नहीं किया जा रहा है। तब केस किसके किसके बीच में बनेगा, मनिंदर सिंह और यूनियन ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं आपको इसकी बैकग्राउंड समझ में आ गई होगी। अब इनको प्रॉब्लम क्यों थी थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। यहां पे इनको प्रॉब्लम थी, अब जैसे था क्या, जो मैन्युफैक्चरर होगा ऑटोमोबाइल का वो सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट प्रोवाइड कराएगा, किसको प्रोवाइड कराएगा, अपने डीलर को। सरकार ने कहा कि ये सारी चीजें आप एश्योर करो कि आपके डीलर के पास ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होने चाहिए जो भी इस सिक्योरिटी प्लेट के लिए रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स, ये भी कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा मैन्युफैक्चरर। इसमें डिटेल होती है, किसकी डिटेल होती है, हमारे मैन्युफैक्चरर की या फिर डीलर की।
तो ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टी थे, थर्ड पार्टी कौन था वहां पे, एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट, वो थर्ड पार्टी थे, उनको ये सारी चीजें कहां से मिलेंगी, मैन्युफैक्चरर उनको देगा नहीं, वो तो अपने डीलर को देगा ये सारी चीजें, तो इसलिए उनको इस चीजों पे ऑब्जेक्शन था। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली डीलर कैन प्रोवाइड एंड अफिक्स द प्लेट दैट हैव द होस्ट इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर, तो इसी बात से उनको प्रॉब्लम थी, यहीं पे केस बनी। बाद में उनकी केस हट गई, मनिंदर सिंह की केस आ गई, मनिंदर सिंह की केस इसलिए आ गई क्योंकि लोग इसको मान नहीं रहे थे। अब एक चीज यहाँ पे और समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आर्टिकल जो हमारा सॉरी सेक्शन 2 है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसका जो 28 का सबसेक्शन है उसको यूज किया गया है। ये सेक्शन बताता है कि हम मोटर व्हीकल किसे कहेंगे। आपको पता है जो सेक्शन 2 है वो डिफिनीशन देता है, जितने भी हमारे चीज जितने भी वर्ड यूज हुए हैं हमारे एक्ट में उन सबका डिफिनीशन किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 2 में। तो उसका जो सबसेक्शन है 28, वहां पे मोटर व्हीकल का डिफिनीशन है। आप कहोगे मोटर व्हीकल का डिफिनेशन क्यों पढ़े भाई, इसलिए कि ये जो प्लेट है वो कहां लगाई जाएगी, बैलगाड़ी में तो नहीं लगाई जाएगी ना। अगर कोई कहने लगा कि आप अपने बैलगाड़ी में प्लेट क्यों नहीं लगाए हो तो क्या कहोगे। तो वहां पे डिफाइंड है कि मोटर व्हीकल किसे कहेंगे, और यहाँ पे ये डिफाइन था कि जो हाई सिक्योरिटी प्लेट है वो केवल मोटर व्हीकल में लगाई जाएगी, तो इस सेक्शन का यहाँ पे यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिसके लिए इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए उस प्लेट के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या ऐसा है। आप देखे भी होंगे आपके गाड़ी में भी वही प्लेट लगी होगी, तो फीचर्स उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे उसके फीचर्स हैं, पहली बात कि वो 15 ईयर के गारंटी के साथ आएगी, दूसरी बात उसमें सेल्फ डिस्ट्रिक्टिव स्टिकर्स लगे होंगे, उस स्टिकर्स में बहुत सारी जानकारी होगी और उन स्टिकर को आप एक बार यूज कर लिए, मतलब एक बार वो स्टिकर लग गए तो आप उनको निकाल के दूसरी बाइक में नहीं चिपका सकते। इससे फायदा क्या होगा कि आप बाइक का इंफॉर्मेशन, जो भी स्टिकर में इंफॉर्मेशन है, आप सपोज किसी बाइक पे लगी है, आप तीसरे बाइक पे लगा दिए तो ये इंफॉर्मेशन मिसमैच हो जाएगी, कभी भी कोई चोरी कर लिया ये काम कर सकता है। जैसे नंबर प्लेट चेंज करते थे लोग पहले, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो उसको सही चीजें नहीं मिलेगी। इन सारी चीजों से बचने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इससे, तो हम वहां पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टिकर लगाए। नेक्स्ट जो इसका सिक्योरिटी है, वहां की जो आगे या पीछे की जो भी नंबर प्लेट होगी वहां पे होलोग्राम्स लगाए जाएंगे। ये होलोग्राम होंगे क्रोमियम बेस्ड, किस पे होंगे क्रोमियम बेस्ड, इसका अलग अपना फीचर होता है। अगर आप कहोगे कि सर आप डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए हमको 18 पेज की एक पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पर रखा हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगी। आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जितने भी वर्ड हम यहाँ पे टेक्निकल यूज कर रहे हैं सारे वर्ड्स को यहाँ पे अलग से डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि ये क्या होंगे, तो काफी डिटेल में बताया गया है, तो उतना सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर नहीं सकते, इसलिए मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसका सिक्योरिटी फीचर क्या क्या। हालांकि कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको मेंशन नहीं किया है, कोर्ट का जजमेंट तो केवल इसी पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पे है, बट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्या होती है आपको वहां पे ये चीजें जाननी चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिसके बारे में बात हो रही है आप उसी को नहीं जानोगे और उसके बारे में बात करोगे तो फिर थोड़ा जायज नहीं लगता ना। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, पिन होगा, इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे बताया गया कि जो परमानेंट नंबर होगा उसके जो प्रेसिडिंग 2 अल्फाबेट होंगे वो किसके होंगे, हमारे वेंडर मैन्युफैक्चरर सप्लायर इन सब से रिलेट करते होंगे। यहाँ पे एक थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट भी लगी होगी, वहां पे भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम से बनाई गई होगी। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो लेजर बाउंडेड परमानेंट नंबर होगा, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये सब करने के बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे, एक दो रीजन नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मान लो किसी को नंबर मिल गया 8055, अब ये भाई साहब हीरो बनने के चक्कर में क्या लिखवा देते थे, बी बॉस लिखवा देते, बी ओ डबल एस, और कहते थे कि ये जो बी है वो 8 है, ये तो ओ 0 है, और ये जो 5, ये जो एस है वो 5 लिखा हुआ है। तो इस टाइप के हरकतें करते थे लोग, कोई अपने कास्ट का नाम लिखवा देता था, कोई कुछ लिखवा देता था। अब होगा क्या कि आप मान लो किसी का एक्सीडेंट कर दिए और किसी को आपका नंबर नोट करना है, कैसे नोट करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम थे, इन ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम थे जिसको ओवरकम करने के लिए ये सारी चीजें लाई गई। जो आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट होगा जो बाइक में फिट किया जाएगा वो स्नैप लॉक होगा, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव तभी कर सकते हो उसको खराब करके, ऐसा नहीं कि आसानी से खोले आप चेंज कर दिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये चेंज किया हुआ है।
तो ये सारे फीचर्स थे उसके। फीचर्स आपको पढ़ना है तो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप डिटेल में उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने गुजरात गवर्नमेंट के जो आरटीओ की साइट है, वेबसाइट है, वहां से लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी है, आप पढ़ सकते हो कि जो अलग अलग चीजें हैं उनकी मीनिंग क्या है, यहाँ पे सारी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है इसमें हम जो सरकार है उसके जजमेंट को डिस्कस करेंगे, सॉरी जो कोर्ट है उसके जजमेंट को डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था, भाई साहब ने केस किया था किसने, एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट ने, कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप ये सारे नोटिफिकेशन लाओ। तो यहाँ पे वो सारे सेक्शन या फिर रेगुलेशन को कोट किया गया है जिसके अंडर सरकार ये नोटिफिकेशन लाई। ऑब्वियसली मैंने आपको सारे लेक्चर में बताया हुआ है कि जब सरकार कोई नोटिफिकेशन या कोई गजट लाती है तो वो वहां पे मेंशन करती है कि उसको ये नोटिफिकेशन लाने का अधिकार कौन देता है, सरकार को इम्पावर कौन करता है कि सरकार ऐसा नोटिफिकेशन लाए। तो सरकार ने इन सारे सेक्शन को वहां पे कोट किया हुआ है। तो इन सारे सेक्शन को हम आगे देख लेंगे कि ये सारे सेक्शन किसके बारे में है। नेक्स्ट पे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट में जो सेक्शन मैं आपको बता रहा था वो सारे सेक्शन यहाँ पे बताए गए हैं, आप भी इनको अलग से पढ़ लेना। पहला है सेक्शन 41 जो आपको बताता है रजिस्ट्रेशन हाउ टू मेड, रजिस्ट्रेशन हाउ टू मेड ऐसे ही लिखा हुआ है इस सेक्शन में। वहां का जो सब सेक्शन है 6 उसके बारे में सरकार ने कोट किया था कि ये सेक्शन हमको इम्पावर करता है। क्या है इसमें, द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी शैल बी असाइन टू द व्हीकल टू डिस्प्लेस डिस्टिंग्विश मार्क्स, ठीक है। डिस्टिंग्विश मार्क मतलब कुछ अलग रजिस्ट्रेशन प्लेट पे आपको होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। सरकार चाहे सब कुछ, सरकार ने जो नेक्स्ट कोट किया था वो इसको किया था कि अगर सरकार चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी चीज अपने गजट में पब्लिश करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। यहाँ पे रेगुलेशन जो है मोटर व्हीकल रेगुलेशन 50 को भी कोट किया गया, फॉर्म एंड मैनर ऑफ द डिस्प्ले द रजिस्ट्रेशन मार्क्स ऑन द मोटर व्हीकल, तो सरकार ने इसको भी कोट किया। सरकार ने कहा कि ये जो एक्ट है, ये जो रेगुलेशन है, ये सरकार को इम्पावर करते हैं कि सरकार ये सारी चीजें कर सकती है। तो इसी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन किया है। और जो हमारे भाई साहब थे एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट, उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कोर्ट ने बस ऐसे ही मेंशन किया है कि ये जो रीट पिटीशन थी केवल एक लोगों ने, बस इस भाई साहब ने नहीं फाइल किया था, बहुत सारे लोगों का धंधा जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने फाइल किया था, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में थी, बहुत सारी हाई कोर्ट में थी। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की याचिकाएं थी सबको, सॉरी जो भी हाई कोर्ट की याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट ने सबको कोलाबरेट करके एक ही जगह बता दिया कि सारी कैंसिल कर दी जाती हैं। एक बार जब आपकी जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल कर दी जाती है तो आप किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये इनका प्रोटोकॉल है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा हाई कोर्ट उसको एज अ लॉ मानेगा। क्या मानेगा, एज अ लॉ मानेगा। इवन दो सुप्रीम कोर्ट उसको एज ए लॉ नहीं मानता अपने ऑर्डर को, मगर हाई कोर्ट उसको एज ए लॉ मानता है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने एक लॉ को चेंज कर सकता है, मतलब अपने एक जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकता है दोबारा, बट जब तक वो चेंज नहीं होता है तब तक हाई कोर्ट उसको एज ए लॉ, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा। ये आप समझ लो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी। कोर्ट ने कहा कि हम आपके पिटीशन को मतलब मेरिट पे नहीं पाते हैं, आपके पिटीशन मेरिट नहीं है जिसमें जो बातें आप कर रहे हो, सरकार के पास वो अथॉरिटी है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिए जो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी चीजें हैं ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मैटर है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्होंने उसके बारे में डायरेक्शंस भी दिए। अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे चालू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ इसी डायरेक्शन से। अब तक तो सही था, एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और उसमें कुछ डायरेक्शंस आई हैं तो वो बाइंडिंग होती हैं। क्या होती हैं, वो बाइंडिंग होती हैं हर स्टेट को, हर अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मानने के लिए। जिसके बारे में वो जजमेंट आया है सबको वो जजमेंट मानना पड़ेगा। अगर कोई अथॉरिटी वो जजमेंट नहीं मानती है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक अलग ही चीज है, अब उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। अगर आपको जानना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आपने जो कोर्ट है उसका अवमानना किया है उसके लिए आप दंड के अधिकारी हो, ये आप समझ लो सिंपल भाषा में। अब वो क्या दंड मिलेगा उसके सब अलग प्रावधान है, वो सारी अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे यही चालू हुआ। तो जो हमारे भाई साहब थे मनिंदरजीत सिंह, उन्होंने यही पिटीशन फाइल किया कि आपने ऑर्डर इशू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन और ऑर्डर इशू किए हैं, मगर फिर भी कोई स्टेट उनकी बात क्यों नहीं सुन रहा है। तो उसी बात को मनिंदरजीत सिंह ने आगे कहा है, उसी बात को जज साहब ने यहाँ पे कोट किया हुआ है, या फिर आप कह सकते हो जजमेंट में यहाँ पे कोट किया गया है।
आप देख सकते हो ये मनिंदर सिंह की जो जजमेंट है। अब उसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी कैसे बनाया गया ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। इनकी क्या क्या इच्छाएं थी कोर्ट ने यहाँ पे बताया है कि जो स्टेट हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मनिंदर सिंह साहब के जो ग्रीवेंसेस थे पिटिशनर के, उन्होंने बताया कि जो स्टेट हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ मेघालय जैसे स्टेट हैं जो पहले की चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव पब्लिक के सेफ्टी के लिए है मगर उनके सेफ्टी को कंप्रोमाइज किया जा रहा है या फिर धीमा किया जा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं सुस्ती। ठीक है, तो ये सुस्ती से काम कर रही है सरकारें आपके उसके बाद भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये पब्लिक वेलफेयर में है, हमें पता है ये पब्लिक वेलफेयर में है और जो भी इस पे अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। कि कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी जो स्टेट्स हैं या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं वो लोग इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोर्ट ने कहा भी कि डिस्पाइट द एबव जजमेंट ऑफ द दिस कोर्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव फेल्ड टू इंप्लीमेंट द स्कीम। कोर्ट ने भाई नाराजगी दिखाई अपनी, कही कि हमारा ऑर्डर है फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो, ये क्या होगा? अगर आप ऐसा करोगे तो हम इनिशिएट कर देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो अगर आप डिफॉल्टर साबित होती हो तो। आगे कोर्ट ने कहा कि जो जो डिफॉल्टर साबित हुए हैं सब लोग एफिडेविट देंगे और ये श्योर करेंगे कि आगे इन सारी चीजों को स्टेप वाइज किया जाएगा। आपको पता है कि तुरंत कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का ऑर्डर नहीं लगता है, जो हमारी कोर्ट है वो आपको टाइम देती है कि चलो अभी नहीं किए तो ये ले लो, कुछ फाइन लगाती है फिर टाइम देती है, इस टाइप से चलता रहता है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा द कोर्ट वाज सेटिस्फाई, मतलब ये कह रहे हैं कोर्ट, मतलब सबको एक तरह से आप कह रहे हो कि कोर्ट ये बताना चाह रही है जो लोग ये फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी अथॉरिटी है, हम खुश हैं कि हमारे पास ऐसी अथॉरिटी है कि आप कोर्ट की बात नहीं मानोगे तो आपको कोर्ट के अवमानना फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, यहाँ पे भी उसी के बारे में बात किया गया है कि कोर्ट ने इतने सारे डायरेक्शन दिए हैं। तो ये सारे डेट यहाँ पे मैंने बस मेंशन किया है, इतनी सारी डायरेक्शन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे डेट या ये सारे डायरेक्शन आपको याद नहीं रखने हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। कोर्ट ने बस ये कहा कि इतने सारे हमने डायरेक्शन दिए हैं सबको आपको कंपाइल करना है और वन बाय वन आपको यूज करना है। जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है, जो भी टाइम फ्रेम स्पेसिफाई किया गया है, आपको विद इन टाइम फ्रेम काम करना है सारे स्टेट को, सारे यूनियन टेरिटरी को, इन एनी सर्कमस्टांसेज आपके पास कोई बहाना नहीं होगा। आगे आप देखोगे कि जैसे बच्चे बहाना बनाते हैं कि आज दुकान बंद थी इसलिए पेन नहीं लाए, कॉलेज में इसलिए नहीं आए कि बारिश हो रही थी, इस टाइप के बहाने हमारे स्टेट भी बनाए हैं, तो उस पर भी कोर्ट ने नाराजगी दिखाया है। वो बहाना आगे आएगा, देखो आ गया बहाना। वो कुछ जो स्टेट थे जब कोर्ट नाराज हुआ तो कुछ स्टेट कहे सम ऑफ दीज स्टेट जस्टिफाइड नॉट फिलिंग द एफिडेविट। कोर्ट ने कहा था कि अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप हमें एक एफिडेविट दो जिसपे साइन करो आप कि अगर हम फर्दर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम भागीदारी होंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को फेस करने के लिए। ठीक है, तो जो कुछ स्टेट थे उन्होंने ये सारा नहीं किया, एफिडेविट भी नहीं दिया। ठीक है, कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे, वॉट एवर दैट। तो उसका बहाना क्या दिया उन्होंने कि समर वेकेशन हो गया था, कोर्ट बंद था, जो रजिस्ट्री थी वो भी बंद थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये सब आप बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने डेट बताया कि ये सारी चीजें खुली थी इस डेट तक, मगर आप भरे ही नहीं, आपने फॉर्म ही नहीं भरा, आपने एफिडेविट नहीं भरा। ये आपका दिखाता है कि आप कितना इन रिस्पॉन्सिबल हो, आपके पास बस बहाने हैं। ये सारी चीजें किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा कोर्ट ने वी फाइंड नो रीजन टू ग्रांट फर्दर टाइम। जो कोर्ट ने टाइम दिया था कि इस टाइम लिमिट में आपको ये सारी चीजें करना है, उन्होंने कहा कि हमारे पास या आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है और हमारे पास कोई मेरिट नहीं है कि आपको फिर भी टाइम दिया जाए। आगे कोर्ट कहता है कि एज नो जस्टिफाइबल ग्राउंड हैज बीन स्टेटेड बिफोर अस हाउ इन द स्टेट ऑफ जस्टिस। फिर भी देखो आप कितना कोर्ट पेशेंस कितना होता है कोर्ट के पास। अब ये देखो उन्होंने कहा हमारे पास कोई मेरिट नहीं है कि हम और आपको टाइम दें, फिर भी जस्टिस प्रिवेल हो, ठीक है, तो हम आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं कुछ फाइन के साथ कि चलो ठीक है हम फिर से आपको टाइम देते हैं, आप क्या करो एक एफिडेविट भरो और ये जो पैसा होता है वो भी भरो और जो भी एफिडेविट है वो जल्दी से आप फिर से फिलअप करो। मगर आप देखो आगे फिर से बहाना आएंगे जो स्टेट ये काम नहीं कर रहे हैं। अपने जजमेंट के नेक्स्ट पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर आर द स्टेट व्हिच हैव बाय लार्ज इंप्लीमेंटेड द स्कीम। उन्होंने कहा कि कुछ स्टेट हैं
जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया है, काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट कर दिया है, वहाँ पे इन्होंने नाम भी लिखा है। तो आपको नाम याद करना है क्या? नहीं, नाम याद नहीं कर सकते आप, ठीक है, और डेट भी याद नहीं कर सकते, तो याद नहीं करना है। कोर्ट ने कहा कि वी अप्रिसिएट द एफर्ट ऑफ दीज स्टेट, तो आप उन्होंने उसको बस अप्रिसिएशन दिया है एज इट इज, और उन्होंने कहा है कि इस टाइम तक आप सारा प्रोग्राम अगर खत्म कर पाते हो तो वेल एंड गुड। आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर याद नहीं करना है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको जजमेंट पढ़ना है और इस जजमेंट का आपको ओवरव्यू तो होना ही चाहिए। चीजें इंपॉर्टेंट हो नहीं हो डेट इज नॉट मैटर, इंपॉर्टेंट चीजों को आपको याद रखना है, बट जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका ओवरव्यू आपको रखना है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से बहुत सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, अगर आपको ओवरव्यू याद रहेगा तो आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि फिर से वही प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे लोगों ने इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए थे इंप्लीमेंटेशन के लिए, एफिडेविट फिल नहीं किए थे, तो फिर से कोर्ट ने अपनी नाराजगी दिखाई, कहा कि आप लोग मतलब कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, ये क्या हो गया, ये तो कोर्ट का अनादर करना हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कोर्ट मतलब स्टेप वाइज स्टेप डायरेक्शन दे रहा था, बट कुछ स्टेट किसी भी रीजन से फॉलो नहीं कर रहे थे उसको, तो उसी के इंप्लीमेंटेशन पे जो कोर्ट है अपने नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है। जो नेक्स्ट आता है, कोर्ट ने कहा कि अब हम डायरेक्शन देते हैं कुछ, फिर से कोर्ट डायरेक्शन देती है, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा, कैसे इंप्लीमेंट करना है, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, किसके पास क्या कंस्ट्रेंट है। क्योंकि जब कोर्ट की डायरेक्शन गई थी तो बहुत सारे स्टेट ने अपने अपने एफिडेविट में कहा था कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है तो हमको इतना टाइम चाहिए, फलाना, दुनिया भर के एक्सक्यूज होते हैं, तो कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, यहाँ पे वो सारे डायरेक्शंस मेंशन किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने टेंडर निकाल दिए हैं वो लेटर ऑफ इंटेंट निकालें, जिन्होंने टेंडर निकाले हैं वो एग्रीमेंट सक्सेसफुली करें, यहाँ पे देखो गुजरात भी है, मतलब जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए हैं वो जो भी टेंडर है मतलब एग्रीमेंट जो भी करना है मैन्युफैक्चरर से डीलर से वो सारा कर ले, ये काम थोड़ा तेजी से आगे बढ़े। द स्टेट विच हैव नो फॉर नॉट फाइनलाइज द टेंडर, जिन्होंने टेंडर को फाइनलाइज नहीं किया है वो भी जल्दी से अपने टेंडर को फाइनलाइज करें, विद इन फोर वीक फ्रॉम टूडे, आज से लेके 4 वीक के अंदर मतलब 1 महीने के अंदर ये सारा काम खत्म करें। इंस्टॉलेशन ऑफ HSRP इज द स्टैट्यूटरी, मतलब संवैधानिक है, ये कमांड दे दिया गया, आपको बताया गया है, तो नॉट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो सर्व एज मच लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। कोर्ट ने कहा कि ये आपको करना ही है, ये डिजायरेबल है, ये संवैधानिक भी है, ये कोर्ट का डायरेक्शन भी है, सरकार का ऑर्डर भी है, कोर्ट का ऑर्डर भी है, ये करना आपको, ये स्टेट के सिक्योरिटी के साथ साथ जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसके भी वेल फेवर में है। जैसे हमने बताया पहले आपको कि चोरी हो जाए किसी की तो जल्दी से ट्रैकिंग हो जाएगी, अभी आप ये समझ लो कि इससे ये फायदा हुआ है कि हमारे देश में जितनी भी गाड़ियां हैं सबका एक डिजिटलाइजेशन हो गया है कि वो गाड़ी कहाँ की है, कितनी गाड़ी इश्यू हुई है, कितनी गाड़ी बिकी है, आपको कोई भी स्टैटिक्स निकालना हो तो आप फटाक से निकाल सकते हो, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसके नंबर प्लेट से आप सब कुछ पता कर सकते हो, ये गाड़ी कहाँ से खरीदी गई, किस स्टेट की है, इस गाड़ी को कौन सी कंपनी ने बनाया है, चाहे उसको कितना भी डेंजरस एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी एकदम पहचान में नहीं आ रही कि कौन सी कंपनी की है, सब कुछ टूट गया है, नंबर प्लेट टूट गया है, होलोग्राम बस बचा है, तो होलोग्राम से आप क्या कर सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि ये गाड़ी किसकी है, बनाया किसने, कहाँ पे बेचा गया इसको, सारी इंफॉर्मेशन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे भी कोर्ट ने कहा कि एनी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डायरेक्शन, मतलब अब कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे वर्ड एक छूट गया है, अब कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, फर्दर कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आपको अब जो टाइम दिया गया है उसी में इम्प्लीमेंट करना है, अगर आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा। क्या आएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा, आगे आया भी है, एक आंध्र प्रदेश के खिलाफ आया भी है, ऐसी प्रोसीडिंग उन्होंने फुलफिल नहीं किया था, इसको आंध्र प्रदेश ने ये काम नहीं कर पाया, जो भी टाइम लिमिट थी जितना भी एक्सटेंशन हुआ, आप देखो कि कितना क्या हुआ, इतने जो हमारी कोर्ट है वो एक्सटेंशन देती गई, इतने सारे ऑर्डर पास हुए, इतने सारे डायरेक्शन आए, इसके बाद भी जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसने स्टेप नहीं लिया, तो कोर्ट नाराज हुई उससे। यहाँ पे देखो कहा गया है देयर कंडक्ट मतलब आंध्र प्रदेश सरकार का, देयर कंडक्ट एंड बिहेवियर हैज अनडिटरमाइंड द अथॉरिटी ऑफ दिस कोर्ट एज वेल एज द डिग्निटी ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि इनका जो बिहेवियर है, इनका जो कंडक्ट है, इनका जो काम है,
वो कोर्ट की बेइज्जती करता है, मतलब कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन नहीं करता है, इसलिए इनके खिलाफ हम क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ कंडक्ट का ऑर्डर या प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एक इशू किया और कहा कि आप बताओ कि आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं लगाया जाए, इतने सारे डायरेक्शंस के बाद भी आपने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप बस बात ऐसा नहीं कि सीधा कह देते थे कि हम नहीं करेंगे, ये बहाने पे बहाना करते रहते थे, एक बहाने के बाद दूसरे बहाना, दूसरे बहाने के बाद कुछ तीसरा बहाना, ऐसे करते रहते थे। कभी एफिडेविट दिया, कभी नहीं दिया, किसी एफिडेविट में कुछ कहा, किसी दूसरे एफिडेविट में उसका कॉन्ट्राडिक्टी कह दिया। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, बट आप ये याद रख लेना कि किसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट लाया गया था, तो आंध्र प्रदेश के खिलाफ लाया गया था। अगर पूछ लेता है तो आप हो सकता है पूछ ले आपसे, क्योंकि यही एक स्टेट है जिसके खिलाफ लाया गया था, तो इनके खिलाफ लाया गया। आगे कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हम अलग से मेंटेन करेंगे एक रजिस्ट्री, जो कोर्ट ऑफ कंडक्ट है उसकी प्रोसीडिंग हम लाएंगे। फिर उसके बाद जो वेस्ट बंगाल है, इन्होंने ये भी माशाल्लाह निकले, इन्होंने भी कुछ गलतियां की थी, तो कोर्ट ने इनके खिलाफ भी, इनको मतलब इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट तो नहीं आया, इनको कहा गया कि आप एक एफिडेविट लाओ और ये जो राशि है आप फिलअप करो, ये मतलब एज अ फाइन, ठीक है, और फिर आप जो टाइम लिमिट है उसके अंदर में भी आप भी अपना काम खत्म करो। यहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया उनको कि आप भी 2 वीक में जो भी चीजें हैं उन सबको खत्म करो। नेक्स्ट में कोर्ट ने कहा 18 पॉइंट में कि ये जो आपको फाइन लग रही है ये आपको भरना है, ये स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट के डायरेक्शन है आपने उसको फुलफिल नहीं किया है, या फुलफिल किया है तो जो टाइम लिमिट आपको दी गई थी उसमें नहीं किया है, तो किसी न किसी तरीके से आप कोर्ट की जो डायरेक्शन है उससे पीछे हटो, तो ये फाइन आपको लगाई जाती है, तो ये कौन भरेगा? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भरेगी। नेक्स्ट पॉइंट में अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात की गई है। अरुणाचल प्रदेश ने भी कोई एफिडेविट नहीं भरा, कुछ नहीं किया, कोई एफिडेविट, कोई अंडरटेकिंग कोर्ट में सबमिट नहीं किया, तो इनको भी कोर्ट ने कहा कि आप एफिडेविट सबमिट करो और ये जो पैसे हैं ये भी सबमिट करो। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे पिटिशनर हैं उनका जो भी कंसर्न था उसका हमने क्या किया है, निपटारा कर दिया है, ठीक है, मैक्सिमम चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई वन बाय वन। तो कोर्ट ने अपने नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि हम ये समझते हैं कि जो भी प्रिटिशनर हैं, प्रिटिशनर कौन थे, मनिंदरजीत सिंह, कि उनका जो भी कंसर्न था हमने उसका निपटारा कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ स्टेट जो थे उनके ऐसा एक्सक्यूज था कि हमारे यहाँ जो हाईकोर्ट है उसमें भी कुछ इससे रिलेटेड मैटर चल रहे हैं जिसकी वजह से ये स्कीम को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी रिस्पेक्टिव कोर्ट है हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चीजें हैं वो ड्यू लॉ, मतलब लॉ के अंदर जितना जल्दी हो सकता है उनको खत्म करें, ताकि ये जो पब्लिक वेलफेयर में स्कीम है इसको जितना जल्दी हो सके इंप्लीमेंट किया जाए। एज सच ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है नहीं इस सबको। बेसिकली है क्या, ये वन बाय वन जो इम्प्लीमेंटेशन था उसी को कोर्ट ने यहाँ पे मेंशन किया है अपने डायरेक्शन के नाम पे, ठीक है। कोर्ट डायरेक्शन देती गई, क्यों डायरेक्शन दे रही थी, क्योंकि हियरिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि इसके ऊपर केस चल रहा था, मान लो आज हियरिंग है तो कुछ बात हुई, कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए, ठीक है, फिर क्या हुआ, दोबारा पिटिशनर आए, बोले कि आपने पिछली बार ये डायरेक्शन दिया था, कुछ लोग अभी भी नहीं माने हैं, तो फिर से कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए, कुछ फाइन लगाए, तो उसी को स्टेप वाइज स्टेप कोर्ट ने यहाँ पे मेंशन किया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में समराइज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं, जिस डेट में दिए हैं, जिस रीट के लिए दिए हैं, उन सारी चीजों को समराइज किया हुआ। तो एज सच ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, याद नहीं करना आपको। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। पसंद आया होगा तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।